मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस बार संक्रमण बढ़ने की दर पिछली बार से कई गुना ज्यादा है। संकट विकट है। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है, हमारे देश में भी और मध्य प्रदेश में भी तेजी से संक्रमित बहनों और भाइयों की संख्या बढ़ रही है। इस बढ़ते संक्रमण को हर हालत में रोकना होगा। रोकने का एक उपाय है लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, काम धंधे बिजनेस व्यापार उद्योग ठप हो जाते हैं, गरीब की रोजी और रोटी संकट में पड़ जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि लंबा लॉकडाउन हो। जहां चैन तोड़ने की जरूरत है, वहां सीमित लॉकडाउन एक अलग विषय है। कुछ जिलों में इतवार को लॉकडाउन करने का फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने किया है, कुछ और जिलों ने दो दिन का भी फैसला किया था, लेकिन लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। हमें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण को रोकने का एक मंत्र दिया है। अगर उस मंत्र का अनुसरण हम करें तो बिना लॉकडाउन के इस संकट से हम बच सकते हैं। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, उचित व्यवहार कोविड के संक्रमण को देखते हुए और टीकाकरण, अब इसमें से कुछ काम सरकार को करने हैं। सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अस्पतालों में बिस्तर की संख्या हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बिस्तरों की संख्या की भी सीमा है, और बाकी कोविड के अलावा दूसरी बीमारियां भी हैं जिनका इलाज हमें करते रहना है। हम व्यवस्थाओं से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपको और सरकार को मिलकर करने पड़ेंगे। अगर बढ़ते संक्रमण को रोकना है तो दूसरा प्रभावी उपाय है मास्क लगाना। मैंने तय किया है कि मैं स्वयं भी मास्क लगाऊंगा और अपने परिवार के किसी सदस्य को बिना मास्क के बाहर नहीं निकलने दूंगा। क्या आप स्वयं भी यह तय कर सकते हैं कि आप मास्क लगाए बिना नहीं निकलेंगे, अपने परिवार को भी मास्क लगवाएंगे, सुरक्षित दूरी बना के रखेंगे, हाथ स्वच्छ रखेंगे? अगर इतना आपने कर लिया तो आप कोविड के संक्रमण से बच जाएंगे, और कोविड के संक्रमण से अपने आप को आपने सुरक्षित कर लिया तो आपने देश की बहुत बड़ी सेवा कर ली। और इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मास्क लगाएं। मैं इस महासंकट से निपटने के लिए सभी धर्म गुरुओं से प्रार्थना करना चाहता हूं, राजनीतिक दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, सभी समाजसेवी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, आम जनता, सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि सरकार के साथ इस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए आप भी आगे आइए। आप तो मास्क लगाइए, लेकिन अगर कोई सामने मास्क लगाए हुए बिना आपके पास आता है तो आप कह दीजिए मास्क नहीं तो बात नहीं। अगर आप किसी दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं और दुकानदार ने मास्क नहीं लगाया तो आप कह दीजिए मास्क नहीं तो सामान नहीं। अगर आप दुकानदार हैं, आप व्यवसायी हैं और कोई ग्राहक बिना मास्क के आपसे सामान लेने आता है तो आप उसको भी कह दीजिए मास्क नहीं तो सामान नहीं। आपकी इतनी पहल प्रदेश को बड़े संकट से बचा लेगी, जनता को संक्रमण से बचा लेगी। इस संक्रमण को रोकने के लिए जनता का सहयोग चाहिए, और इसलिए हमने, मैं कोरोना वॉलंटियर, एक अभियान प्रारंभ किया है 1@1 पर। आप भी कोरोना वॉलंटियर के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए। आपको मास्क लगाने की जागरूकता पैदा करने, टीकाकरण के लिए प्रेरित करने जैसे कुछ काम दिए जाएंगे। मैं दिन और रात लगा हूं कि आप हमारे साथ हाथ नहीं बटाएंगे। आइए हम सब मिलकर कोरोना का मुकाबला करें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम मिलकर लड़ेंगे तो कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।